गाइज वेलकम टू कुक एंड ब्लॉग विद अंजलि। सो गाइज आज घर पे बहुत सारे बनाना रखे हुए हैं और वो थोड़े से जब पक जाते हैं ना तो इस तरह के हो जाते हैं, अपने आप से ऐसे टूटने लग जाते हैं। तो समझ नहीं आता इन बनाना का हम क्या करें। तो मैं बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बच्चे बहुत ही खुश होके बहुत ही चाव से खाते हैं। इन बनाना को हम यूज़ करेंगे और बच्चे बहुत ही अच्छे से मज़े लेके खाएंगे। एक तो हम इनको फ्रोज़न करके रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, इनकी छील के इसके स्लाइस बना के एक बॉक्स में डाल के फ्रोज़न कर सकते हैं और जब भी आपको बनाना शेक बनाना हो बच्चे को देना हो तो आप उसको निकालिए, बनाना शेक बनाइए, बहुत ही अच्छा बनाना शेक बनता है। आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे बनाना केक जो कि बच्चों को आएगा बहुत ही पसंद और जो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये बनाना भी बच्चे खा लें, एक तो वेस्टेज ना हो और बच्चों की पसंद की भी चीज़ बन जाए तो वो काम भी हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना केक की रेसिपी। तो मैंने एक जार में, सबसे पहले मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी तो मैंने चीनी को पीस लिया, ब्राउन शुगर में यूज़ करती हूँ, मैंने उसे पीस लिया है। और दूसरी तरफ ये जो उसको उसी जार में से उसे निकाल के और मैं उसमें अपने जो बनाना है, क्योंकि स्मॉल साइज़ के इतने साइज़ छोटा है इनका, तो मैं यहाँ 3 बनाना लूँगी। इन्हें मिक्सी में पीस लेती हूँ, प्योरे बना के अलग कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस जार के अंदर मैंने ये पीस के रख लिया अपनी ब्राउन शुगर चिली, निकालते हैं और बनाना भी। और ये रहे मेरे बनाना जो बच गए ना, इनको भी मैं फ्रोज़न करके रख लूँगी और ये बनाना ले लेते हैं, इसको हम प्योरे बना लेते हैं मिक्सी के। मेजरिंग कप ले लीजिए, कोई भी चाय का कप भी ले सकते हैं, उसमें आप ले लीजिए भाई मैदा ले लीजिए 1 कप, जो भी मेजरमेंट के लिए लेंगे फिर सारी मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 कप मैदा ले रही हूँ। 1 कप का मतलब अच्छे से फुल पूरा भरा हुआ 1 कप, जो भी चीज लेंगे ना पूरा भरा हुआ लेंगे ऊपर तक। ये हमारा 1 कप मैदा हो गया, इसको डाल देते हैं। अब हम लेंगे अपना ब्राउन शुगर, मैंने बना के रखा था। ओ चलिए ये ले लेते हैं, जितना हमने ये लिया है 1/2 कप लेंगे हम ब्राउन शुगर, इसी को हम 1/2 कप नाप लेते हैं। हाफ कप मैंने ले लिया है। अब ये हमारा हो गया है। तो यहाँ पे एक बड़े मोटे तले का बर्तन लेना होता है, मैंने ले लिया अपनी मोटी तले की कढ़ाई और ये सॉल्ट मैं अलग से रखती हूँ केक बनाने के लिए, तो इसको इसमें डाल दिया है, रख दिया। इसमें एक स्टैंड और लगाना होता है और ढक के रख देंगे। तो भी गैस थोड़ी जल्दी ऑन कर दी थी, बाद में ऑन करेंगे। अब ये 2 चम्मच हमने कोको पाउडर डाल दिया है इसमें, डार्क कोको पाउडर। कोको पाउडर डालना ऑप्शनल है, बनाना केक बनाना है सिंपल तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। हमेशा याद रखें बेकिंग सोडा थोड़ा कम होता है, बेकिंग पाउडर थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। तो क्वांटिटी कितनी लेनी है वो देख लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, एक मैं स्टील की स्पून से ही नाप के दिखा रही हूँ, 1/2 स्पून से भी कम है बेकिंग सोडा। और बेकिंग पाउडर को लेंगे 1 पूरी भर के चम्मच से थोड़ा सा कम। ये हमारा होगा बेकिंग पाउडर, जो अभी मैं डालूँ बेकिंग पाउडर 1 पूरी फुल चम्मच से थोड़ा सा कम। तो डालेंगे बस, इसे मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे ड्राई आइटम है, उसके बाद हम जितना गीले आइटम होते हैं वो सब अलग से मिक्स करेंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये मेथड हमेशा याद रखना, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बहुत पहले से ही मिक्स करके मत रख देना, क्योंकि एक्टिवेट हो जाता है तो फिर केक बाउंस करते वक्त फिर उसका मतलब इतना इफेक्ट नहीं आएगा, इतना जल्दी से अच्छे से नहीं होगा। तो चलिए इसको अच्छे से छान लेते हैं, इससे क्या होगा अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग में हेल्प करता है और मोटे मोटे जो इसके कण होते हैं वो छलनी में ऊपर रह जाते हैं, या फिर साथ में स्पून से थोड़ा सा आप ऐसे क्रश करके इसको वापस नीचे स्टेन कर सकते हैं। तो चलिए ये प्रोसेस हो गया, छलनी को रखते हैं साइड में। और मेरे पास मिल्क पेड पड़ा था 2 से 3 चम्मच, उसे भी मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि रखा हुआ तो
नहीं तो आप नहीं भी ले, कोई ऐसी नीड नहीं है इस केक में, क्योंकि बनाना हमारे पास है जो केक को बाउंस करने में हेल्प करेगा। उधर मैंने कढ़ाई को ऑन कर दिया है, वो गरम होएगी इतने हमारा ये सब चीज़ रेडी हो जाएगा। चलिए टिन रेडी कर लेते हैं, इसमें घी लगा दिया मैंने और ऊपर से थोड़ा सा मैदा लेके डस्ट कर देंगे और अच्छे से चारों तरफ घुमा देंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से लग जाए। अगर ये अच्छे से नहीं लगाएंगे तो हमारा केक चिपक सकता है, तो ये कोटिंग करनी बहुत नीड है। तो चलिए जो मेरे पास मिल्क मेड था वो डाल दिया। यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच देसी घी डाला है, यहाँ बटर डाल सकते हैं, रिफाइंड डाल सकते हैं, मैंने वनीला एसेंस डाला है और अच्छे से खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। देन हम दोनों ही चीज़ों को आपस में मिला देंगे और थोड़ा सा मैंने दूध रखा हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर का, तो इसी बाउल में जो बनाना वाली बाउल थी इसी में ही दूध डाल डाल के ताकि जो तली में लगा हुआ वो भी निकल जाए प्रोडक्ट हमारा। और अच्छे से इसे एक ही साइड, जिस साइड से आप घुमा रहे हो उसी तरफ घुमाते जाइएगा, अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करके कैसा बन जाना चाहिए देख सकते हैं आप, गोल गोलने के बाद में कैसा इस तरीके का बन जाना चाहिए। तो चलिए अब हम अपनी जो टिन है उसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे और हमारी जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी है उसके अंदर डाल देंगे। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो 180 डिग्री पे आप बना देंगे इसको, 35 मिनट्स के बाद आप चेक कर सकते हैं माइक्रोवेव में। और अगर आप मेरी तरह गैस पे बना रहे हैं, मैं गैस पर ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि गैस पर बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए अब इसको मैंने कर दिया है और रखते हैं अपनी कढ़ाई में और ढक देंगे इसको, और हम 30 मिनट कम से कम या 35 मिनट से। तो जी मैंने इसे रखा 7:15 पे और मैं 35 मिनट्स के बाद इस केक को ओपन करके देखूंगी और आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं किचन का कर लेती हूँ बाकी काम और समेट लेती हूँ सारी चीज़ों को जो जो केक बनाते टाइम फैल गई थी। अभी टाइम होता है, फटाफट से समेटा समेटिए और बाद में जब केक निकलेगा तो उससे इंजॉय की। आधा घंटा हो चुका है तो मैं केक थोड़ा सा बीच में से कच्चा लग रहा है ढक देते हैं वापस। ये बन गया हमारा केक, अब इसको निकाल के ठंडा करने रख देते हैं थोड़ी देर। यानी क्यों मुझसे सबर नहीं होता है, बिल्कुल भी सबर नहीं होता। मैंने पलट दिया इसको और मेरा केक बाहर निकला है, अब इसको सीधा करते हैं। ये ना अभी गर्म है, मैं हमेशा गर्म ही निकाल देती हूँ वरना ठंडा करके निकालना चाहिए। तो ये हमारा जो केक है कितना बाउंसी बना है ये वो आपको इसको प्रेस करके पता चल जाएगा। अभी बहुत गर्म है तो मैं प्रेस नहीं कर सकती, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी प्रेस करके। प्रेस करके दिखाने के लिए गर्म है मैंने लिया एक पेपर, अभी दिखाते हैं इसको प्रेस करके कि कितना बाउंसी है ये। वापस से अपनी जगह पे आ जाता है एकदम पिल्लो के जैसे। अपनी शेप वापस से ले लेगा, देख ये है इसका बाउंस। जो मेथड से मैंने बनाया है वैसे बनाओगे ऐसे ही बाउंस ही बनेगा, वापस से अपनी शेप ले लेगा पूरा का पूरा बाउंस ही। क्योंकि गर्म है इसलिए मैं डायरेक्ट हाथ से नहीं कर रही हूँ। तो ये देख लो ये पूरा का पूरा, ये मैंने फिंगर से दबाया है ना, फिंगर से थोड़ा क्रैक आ गया क्योंकि गर्म है, इसलिए गर्म में केक से पंगे नहीं लेने। हमारा यहाँ पे केक जो है बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। वैसे कटिंग भी थोड़ा ठंडा करके करनी चाहिए बट मुझसे वेट नहीं होता और मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और एक बार आपको अंदर से केक को दिखा देती हूँ कि कैसा दिख रहा है अंदर से केक। ये देखिए गर्मा गर्म धुआं निकलता हुआ ये हमारा चॉकलेट केक रेडी है। कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और अपने घर पे बना के देखोगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। अरे इसका भोग लगा देते हैं पार्थ, ये पहले कान्हा जी को भोग लगाया है इसका, पहले फर्स्ट पीस कान्हा जी का, ठीक है कान्हा जी को लेगा, कहते बाउल दे।